top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. अगर उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो क्या सुरक्षा की दृष्टि पर देखा जाए तो कौन सी फोर्स यहाँ तैनात की जाएगी या तो क्यों कितनी फोर्स तैनात की जाएगी और कहाँ? और जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, इस पे अभी विगत 20 तारीख को एक मीटिंग प्रमुख सचिव गिरे और डीजीपी महोदय की अध्यक्षता में हुई है और इससे पूर्व भी निर्णय लिया जा चुका है कि यहाँ पे 89 पीएससी बटालियन है, वो इसकी सिक्योरिटी पे काम करेगा। इसके साथ साथ आउटसोर्स सिक्योरिटी पर्सनल भी इसमें रहेंगे और जो हम लोग मानक ले रहे हैं वो दिल्ली मेट्रो और अन्य मेट्रो को स्टडी करके ले रहे हैं। और जो चूंकि हमारे लिए सिक्योरिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीमलेस इंटीग्रेशन दिल्ली का है, तो हम लोग सुरक्षा का जो मानक रख रहे हैं वो दिल्ली मेट्रो के एक पार रख रहे हैं, उससे कम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण है और इस ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह सीधा दिल्ली के लिंक को जोड़ता है, तो दिल्ली की जो सुरक्षा है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इस पर ज्यादा स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारा आजकल आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो सॉफ्टवेयर कई ऐसे आए हैं कि जो माप को एनालिसिस करते हैं, हमें सूचनाएं देते हैं, सीसीटीवी है, अन्य तरह की सर्विलांस है, उन सारे आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग हम लोग सिक्योरिटी में करेंगे। मुख्य सचिव महोदय के सामने इस बात को रखा गया और उन्होंने कहा कि 89वीं बटालियन जो पीएससी है वो पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी है, तो आने वाले दिनों में इस पे सिक्योरिटी पे पीएससी ही काम करेगी। काफी बेहतर जो है अत्याधुनिक कैमरे भी लगाए जाएंगे, इस बारे में क्या कहेंगे मेट्रो स्टेशन सब? हाँ, एक जो सिक्योरिटी है एक्चुअली में जो हमारा ओसीसी होता है, जो कंट्रोल सेंटर होता है, वहीं पे हमारा एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी का रूम होता है। उस सिक्योरिटी से पूरे जो हमारे जैसे हमारे इस कॉरिडोर में कुल 21 स्टेशन है, 21 स्टेशन पे हर जगह की राइडरशिप अलग अलग है, तो हम लोग एक सेंट्रलाइज रूम में पूरे स्टेशन की सारे 21 स्टेशन की सिक्योरिटी का ऑब्जर्वेशन करेंगे और कहीं पे भी अगर लगता है कि असुरक्षा वाली बात है या सिक्योरिटी का थ्रेट है तो वो सेंट्रल रूम से हम उनको पकड़ सकते हैं, उस स्टेशन कंट्रोलर को, उस स्टेशन मास्टर को हम सीधे सूचनाएं दे सकते हैं कि ये चीजें आई हैं, इसको देखा जाए। तो हम लोग तकनीकों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आधुनिकतम तकनीकों के साथ फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा जरूरी न हो सिक्योरिटी पर्सनल की, बजाय कि तकनीकों पर ज्यादा हो, तकनीक सर्विलांस करके हमें ज्यादा सूचना अच्छे तरीके से दे सकते हैं बजाय व्यक्ति के, तो व्यक्ति के साथ साथ हम लोग तकनीकों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।